बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, FIR क्या, पुलिस के पास गए, सब जगह गए, कुछ पता नहीं चला उसका। मैं चाहती हूँ कि एक केस CBI हैंडल करे, ये पता नहीं क्या उसको ब्लैकमेलिंग कर रहा था, क्या उस क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। जैसे इस वक्त मौजूद हैं हम दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में। आपको बता दें कि यहाँ से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसको सुनकर खुद आप भी चौंक उठेंगे। बताया जा रहा है कि घर में एक बेटी है जिनकी उम्र 31 साल बताई जा रही है। वो काफ़ी महीनों से, और मान के चलिए 6-7 महीनों से वो लापता है। ज़रा सोचिए कि उस वक्त उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। हालांकि इसके पीछे का कारण अभी सामने नहीं आया है, तो इस वक्त मौजूद है उनकी माँ मौजूद है, तो आइए हम उनकी मदर से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्पण कौर है जी। दर्पण कौर जी, आपकी बेटी का नाम क्या था? हरसिमरन कौर। हरसिमरन कौर, उनकी उम्र कितनी बताई जा रही है? 31। तो कब से वो लापता है? 16 अक्टूबर से लापता है। मॉर्निंग मतलब 5:15 बजे वो घर से निकल गई, कुछ नहीं मतलब कैजुअली नाइट ड्रेस में निकल गई घर से। फिर हमने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, FIR क्या, पुलिस के पास गए, सब जगह गए, कुछ पता नहीं चला उसके। किस थाने में आपने FIR करवाया? रजौरी गार्डन में। तो वहाँ पे जब आपने FIR करवाया, तो वहाँ से पुलिस वालों को क्या कहना है? पुलिस वालों कहते हैं कि ये बड़ी लड़की है और अपने आप मतलब मन से गई है, मतलब वो लोग उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया हमारे हक़ को। तो ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब वो हमें पूछते कि हम आप बताओ कि कहाँ ढूंढे। तो ये जो मिसिंग केस है, इसमें जो आप अपनी रजौरी गार्डन के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया है, इसमें आपके IO या फिर थाना इंचार्ज का किसी का नाम पता है आपको? कौन है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कोई भी इंचार्ज? सब मुझे पता, लेकिन मैं अभी बिल्कुल, मैं ना एक्चुअली ब्लैंक हो गई हूँ बिल्कुल। जाहिर सी बात है, ये तो जाहिर सी बात है, जिस माँ की बेटी इतने महीनों से लापता है, तो मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, वो आप हमें बता दीजिएगा। बाकी आपको किसी पे शक है? मेरी बेटी एक्चुअली मैट्रिमोनी देख रही थी, तो वहाँ से मुझे कुछ लोगों का शक है, क्योंकि किसी ने उसको फ़ोटो मंगाया था उसका, और उन्होंने पता नहीं उसके साथ में क्या किया फ़ोटो के साथ में, तो बहुत डर गई थी, तो उसको मतलब उसको ब्लैकमेलिंग करता था कि मैं एक कर दूंगा, एक उसके उसको बदनाम कर दूंगा, तो बहुत डर गई थी। तो हमें बोला था उसने कि मैं ना मुझे ऐसे करते, तो हमने बोला हम हैं ना, हम वो करेंगे, हमने उसको बोल दिया कि हम ब्रदर है, भाई है, हम लोग उसको देख लेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट आई डोंट नो क्या हुआ उसके साथ, और एक मतलब मैट्रिमोनी से ही मैंने को लगता कुछ प्रॉब्लम। तो उस ऐप में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो उनको लाइक थोड़ा सा मेंटल टॉर्चर कर रहे थे? मेंटल टॉर्चर कर रहे थे बोलती थी वो, पर हमने फिर उसका क्या किया कि उसका सब कुछ डिलीट कर दिया था, हमने अकाउंट वगैरह सारा कुछ सब डिलीट कर दिया था उसका। उसके बाद भी वो मतलब कुछ समझ नहीं, ऐसे अचानक से मतलब उनकी मानसिक जी डिप्रेस्ड थी। डिप्रेस्ड तो जी जी, जाहिर से बात है, आज की डेट में हर एक बंदा स्ट्रेस रहता है, हर एक शख्स अपने अपनी लाइफ में काम के वजह से या टेंशन की वजह से स्ट्रेस में और डिप्रेस तो स्ट्रेस में रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर से इतने महीनों के लिए लापता हो जाए। इसके पीछे का कारण क्या है? अभी तक पुलिस इसके पीछे कार्यवाही नहीं कर रही है। आप और कुछ बताना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि एक केस CBI हैंडल करे, क्योंकि इसके CBI को केस हैंडल करने के लिए आपने कोई एप्लीकेशन लिखा, कोई कंप्लेन करा? हमने नहीं लिखा, पर हम मुझे लगता है कि क्योंकि 7 महीने हो गए, इनको तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लोग तो कुछ मतलब जैसे बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहे, हम जाते हैं बस आ जाते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, सब कुछ बंद है? सब कुछ बंद है उनका, और वो हाँ सब कुछ बंद है उसका, कुछ नहीं चल रहा। क्या शक लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है? ये तो हम नहीं बता सकते, बस मैट्रिमोनी में कुछ हुआ और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। हमें भी बोला था, हमने उसके पापा ने बोला था कि हम लोग ये देखेंगे, तेरे भाई तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये पता नहीं क्या उसको ब्लैकमेलिंग कर रहा था, क्या हुआ। तो वो जो शख्स थे जो उनको बार बार मैसेजेस करके उनको परेशान कर रहे थे, मेंटल टॉर्चर कर रहे थे, उस शख्स के बारे में आपको कुछ पता है? वो कहाँ रहते हैं, क्या है?
उसको वो तो हमें मिल गए थे, हमें सब वो किया था हमने उसको, लेकिन उन पुलिस वालों ने बोला कि ये मतलब ये नहीं है मेन। तो जो शख्स उनको मेंटल टॉर्चर कर रहे थे उनसे बात हुई है, पुलिस वालों की भी बात हुई है, पर पुलिस वालों को कहना है कि ये इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि आप अपनी तरफ से श्योर हैं कि पुलिस ने अच्छे से इसके पीछे छानबीन करी? नहीं, मुझे श्योर नहीं। आप श्योर नहीं है बिल्कुल? आपको लग रहा है कि पुलिस को थोड़ा सा और देखना चाहिए? मैसेज उसने किया है तो हमें जमे दिखाना चाहिए था ना उनको मैसेज, उन्होंने नहीं दिखाया, एक दो मैसेज दिखाया उन्होंने बस, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं ऐसे किया उन्होंने। सोचने वाली बात है, जाहिर से बात है कि हालांकि इनके परिवार वालों का आरोप है, इनके परिवार वालों को शक है कि उनकी बेटी के मैट्रिमोनियल ऐप में कोई एक शख्स था जो बावन को मैसेजेस करता था, मेंटल टॉर्चर करता था। पुलिस के पास ये बात पहुंची भी तो इनका कहना है कि पुलिस ने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, ज़्यादा छानबीन नहीं करी और सीधा बोल दिया कि नहीं नहीं ये दोषी नहीं है। तो इस मिसिंग केस में जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई बहुत अच्छे से करती है, हर एक चीज़ की जाँच पड़ताल करती है और जो लोग भी उस मिसिंग केस से जुड़े होते हैं उनके पास जाके छानबीन करती है। पर इनका कहना है कि जो लड़के उस टाइम पे जब वो मेंटली थोड़ी डिप्रेस थी, जो लड़के उस वक्त उनको मैट्रिमोनियल ऐप में उनको टॉर्चर कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, उस लड़के के साथ भी पुलिस ने ज़्यादा छानबीन नहीं करी और सीधा उसको निर्दोष साबित कर दिया। क्या पुलिस के पास कोई पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत था कि वो निर्दोष है? ये तो पुलिस जाने, ये तो हम तो नहीं जानते ना। मतलब आप लोग के अकॉर्डिंग पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया? नहीं किया। जाहिर उन्होंने देववान से उन्होंने जब वो देखा लड़की को, एक्चुअली लड़की उसमें काम करते थे मीडिया, मतलब बड़े कॉर्पोरेट में, तो शी हैज़ टू ड्रेस अप जैसे आप सब लोग प्रॉपर ड्रेस करते, तो उनका लुक देख के और एज देख के उन लोगों ने ये वो कर दिया कि मतलब अपने आप गई है और कोई भी इनको वो नहीं कर सकता है, इनका लेके जा सकता जी। इनका कहना है कि पुलिस वालों ने इनको बोला है कि अगर लड़की नाबालिग होती तो हम इसके ऊपर थोड़ा एक्शन भी लेते, पर हरसिमरन कौर जी 31 साल की है और वो अब इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पे खड़ी है, तो उनको कोई ज़बरदस्ती लेके जा नहीं सकता, तो इसमें हम भला क्या ही एक्शन करें। ज़रा सोचिए कि एक माँ बेटी से 6-7 महीने से दूर है, उन्हें कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रही है और ना ही उनका कोई सोशल मीडिया हैंडल ओपन है, उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, कितनी हैरानगी की बात है। ज़रा सोचिए अगर कोई बच्चा नाराज भी हो जाता है तो 2-3 दिन बाद अपने माँ बाप से कॉन्टैक्ट तो कर ही लेता है, या फिर किसी भी केस के वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से जाता है तो हार्डली 1-2 महीने में बच्चे की बात हो ही जाती है, पर यहाँ पे 6-7 महीने हो गए। बहुत ही ये जो बात है बहुत ही सीरियस बात है और इस बात में पुलिस का कहना है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो 31 साल की है, तो उसमें हम क्या करें। तो अगर कोई एक इंसान इंडिपेंडेंट हो या 31 साल का हो तो क्या वो मिसिंग होने के बाद तो उस वक्त क्या पुलिस का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, या उस वक्त थोड़ा सा जो छानबीन है और जो उनके लिए जितना हो सके वो कोशिश करे ताकि हम उस लड़की को ढूंढ पाए। जी आप और कुछ बोलना चाहेंगे कि उनका बॉन्ड कैसा था आप लोगों के साथ? बहुत अच्छा था हमारे साथ, तो शी वाज मतलब क्या पेरेंट्स को बहुत प्यार करती थी, सिंगल डॉक्टर, यस सिंगल डॉक्टर थी और मतलब ज़्यादा आउटवर्ड मतलब सिर्फ फ्रेंड सर्कल में नहीं थी, ओनली बुक्स एंड आई वाज हर फ्रेंड, इंट्रोवर्ट थी। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि वो कोई दोस्तों के साथ बाहर चली गई हो ऐसा, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनका जो नेचर था वो काफ़ी इंट्रोवर्ट था और वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, जैसा कि ऑफ कैमरा मेरी इनसे बात हुई है, वो पढ़ाई में टॉपर रह चुकी हैं, काफ़ी अच्छे जगह कॉर्पोरेट जॉब में वो वर्क करती थी, होली सेल से पास आउट है, फिर MIT से ग्रेजुएशन, MIT यूनिवर्सिटी, उसे ग्रेजुएशन किया उन्होंने और MBA वहाँ से किया, एंड शी वॉज मतलब जॉब कर रही थी, कंटिन्यूसली जॉब कर रही थी, वो ऐसी थी कुछ नहीं अच्छा लगता था फट रिज़ाइन भी कर देती थी जॉब में। सोचने वाली बात है और हैरान कर देने वाली बात है, आप भी सोच सकते हैं कि जो हरसिमरन कौर है वो 31 साल की थी, इंडिपेंडेंट थी, अच्छी जगह जॉब करती थी, तो कोई भी इस एज पे आगे ऐसे घर छोड़ के तो जा ही नहीं सकता है। जैसे कि हालांकि आप सभी के दिमाग में बातें आ भी रही होंगी, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे पोख्ता सबूत हैं या कुछ ऐसा है जिसका शक इनके परिवार वालों को है और वो ये चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके ऊपर सख्त जो है पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ताकि जो जल्द से जल्द इनके बच्ची को पुलिस ढूंढ पाए। प्लीज़ नैन्सी बेटी तू जहाँ भी है आ जा, कॉन्टैक्ट कर हमें, हमसे हम बहुत परेशान हैं, तेरे पापा बीमार हो रहे बेटा, प्लीज़ आ जा मेरी बेटी, और जिसने भी जो भी
देख रहा है उसको देखा, प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस और हमें हेल्प करो प्लीज़। मैं तो यही, मैं ऐसे मदर मैं यही बोल सकती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हेल्प अस, वी आर इन नीड। हम बहुत परेशान हैं, हम जी रहे हैं बस बच्चे के बिना। जाहिर सी बात है, एक माँ बाप के लिए उसके बच्ची दुनिया होती है, और 6-7 महीने से अगर बच्ची का कोई कांटेक्ट नहीं है, बच्ची घर में सामने नहीं दिख रही और बच्ची का कोई अता पता नहीं है, तो उस वक्त माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, ये सब आप भी महसूस करके बता सकते हैं। इस वक्त इनकी मदद आप और मैं, हम सब मिलके कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि सामने देखे स्क्रीन पर फोटो ज़रा देखें, आपको अगर कहीं भी हरसिमरन कौर दिखती है तो हमें कॉन्टैक्ट करें, इनकी मदर को कॉन्टैक्ट करें। और आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना ज़्यादा इस वीडियो के बारे में लोगों को पता चलेगा, इनकी माँ के दुख के बारे में लोगों को पता चलेगा और इनको न्याय मिलेगा और इनको इनकी बच्ची भी वापस मिलेगी। आप सभी से अनुरोध है कि जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जाहिर सी बात है कि इस वक्त इनकी माँ का, इनके घर वालों का रो रो के बुरा हाल है, जो हर एक माँ बाप का होना जायज़ है। इस वक्त हम आपसे यही अनुरोध फिर से कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए इस बात को, ताकि वो भी अपनी पूरी कोशिश करें इनकी बच्ची जहाँ भी है वो सही सलामत इनके पास वापस आ जाए। आप सभी से अनुरोध है, इनकी मदद आप और हम ही कर सकते हैं। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।